Hi everyone, welcome to Vacation in Your Hands. हम continue कर रहे अपने class 6 की history NCERT और आज हम करेंगे उसका chapter number 11 जो कि है new empires and kingdoms. So अगर आपको ये video पसंद आए तो please like and share this video and don't forget to subscribe this channel. तो last part में हमने discuss किया था गुप्ता empire के बारे में जिसके बारे में हमें पता चला था inscriptions से या प्रशस्ति से. लेकिन इसके अलावा हम biographies से भी राजास के बारे में जान सकते थे जिसका सबसे बड़ा example था हर्षवर्धन. तो हर्षवर्धन ने रूल किया था 1400 इयर्स अगो पहले और इनके बारे में हमें पता चला है इनकी बायोग्राफी हर्षचरित्र से जो लिखी गई थी संस्कृत में बाय स्कॉट पोएट बानभट्ट. हर्षाचरित्र हर्षा का चरित्र जिसमें इन्होंने बताया था हर्षा की पूरी जर्नी किंग बनने तक की. तो हर्षा जो है ओल्डेस्ट सन नहीं थे, अपने सबसे बड़े बेटे नहीं थे फादर के, लेकिन ये बन गए किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो थे रूलर ऑफ कन्नौज, लेकिन इनको भी मार दिया गया था बंगाल के रूलर ने. तो हर्षा ने क्या किया, कन्नौज का किंगडम लिया और बंगाल के रूलर को चैलेंज किया और वो जीत गए. तो हर्षा जो थे वो ईस्ट में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन बाकी जगह वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए. उन्होंने मगध और बंगाल को तो कॉन्क्वेस्ट कर लिया, लेकिन वो डेक्कन से ज्यादा दूर नहीं जा पाए जहां उनका जो रास्ता रोक दिया था चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन टू ने. हुएनत्सांग, जिनको हम लोग जून जैंग भी कहते हैं और हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, उन्होंने बहुत टाइम हर्षा के कोर्ट में बताया था और उन्होंने भी हर्षा के बहुत डिटेल अकाउंट दिया था. तो इस मैप में आप देख सकते हैं हर्षवर्धन का पूरा बड़ा एम्पायर देख सकते हैं जो कि ईस्ट में बहुत अच्छा कंट्रोल है. बंगाल कैप्चर किया हुआ है, मगध कैप्चर किया हुआ है, कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर है उनके लिए, लेकिन ये डेक्कन के आगे नहीं जा पाए थे क्योंकि इनका रास्ता रोक दिया था पुलकेशिन टू ने जो कि एक चालुक्य रूलर थे. तो साउथ में दो इंपॉर्टेंट एम्पायर यहाँ पे आते हैं इस पीरियड में, चालुक्यज एंड पल्लवास. चालुक्यज हैं जो कि कृष्णा से लेके टुंगबर्धा रिवर तक आप देख सकते हैं और पल्लवास है कावेरी एंड इस एरिया में, ठीक है. सो द पल्लवास एंड चालुक्यज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. पल्लवास का जो किंगडम था वो अराउंड है कैपिटल कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक, जबकि चालुक्यज का जो किंगडम है वो था बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड टुंगबर्धा. कांचीपुरम था पल्लवास का कैपिटल और चालुक्यज का कैपिटल था आईहोल जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और एक रिलीजियस सेंटर भी था जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बने थे. तो पल्लवास और चालुक्यास जो है फ्रीक्वेंटली एक दूसरे पे हमेशा अटैक्स करते थे और अटैक्स करते थे हमेशा कैपिटल सिटीज पे या फिर इम्पॉर्टेंट टाउन्स पे. जो बहुत इंपॉर्टेंट चालुक्य रूलर थे वो थे पुलकेशिन टू जिन्होंने हर्षवर्धन का रास्ता रोका था और इनके बारे में हमें पता चलता है इन्हीं की प्रशस्ति से जिनको कंपोज किया था इनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने. इन्होंने जो है चालुक्य पुलकेशिन के बारे में उनकी इंसिस्ट्री के बारे में बताया है, चार इंसिस्टर तक गए हैं और इन्होंने बताया कि पुलकेशिन को जो अपना किंगडम है वो अपने अंकल से मिला. अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति पुलकेशिन टू लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा. तो रवि कीर्ति ने बताया है कि पुलकेशिन टू ने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे कंट्रोल करने को चाहा था और इन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन का रास्ता रोक दिया था, हर्षवर्धन का एम्पायर को आगे और बढ़ने नहीं दिया था. और इन्होंने ये भी बताया कि इसके डिफीट के बाद हर्षवर्धन वॉज नो लॉन्गर हर्ष, इसका मतलब हर्षवर्धन ने अपना खुशी खो दिया था. इसके अलावा पुलकेशिन ने जो है पल्लव किंग पे भी अटैक किया था जिन्होंने शेल्टर ले लिया कांचीपुरम में. हालांकि जो चालुक्य की विक्ट्री थी ज्यादा देर तक चली नहीं, अल्टीमेटली पल्लवास और चालुक्य जो है खत्म हो गया और उनका जगह आ गया राष्ट्रकुटा चोला डायनेस्टी जो कि हम लोग क्लास 7 में पढ़ने वाले, ठीक है. सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.